नमस्कार, मैं हूं अरुण वापना और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप और कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में। FMGL एक्ट 2021 आने के बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कई तरह के कन्फ्यूजन हैं। कई जगह पर कई लोग ऐसा बताते हैं कि कोर्स के ड्यूरेशन में चेंज हो गया है, कई जगह पर कई कंसल्टेंट्स ऐसा बोलते हैं कि नहीं, कोर्स का ड्यूरेशन हमारा ऐसा ही था या पहले ये था, बाद में ये हो गया, FMGL आने के बाद में क्या हुआ है, पहले क्या था। उसके अलावा अभी कई तरह की एडवाइजरीज भी आई हैं जो नेशनल मेडिकल कमीशन के FMGL एक्ट आने के बाद में स्पेशली आई हैं। इसमें से इंडियन एम्बेसी ने कुछ एडवाइजरी जारी की हैं, उसके अलावा कुछ देश हैं जिनकी कंसर्न गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ डॉक्यूमेंट इशू किए हैं। तो अभी एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में कोर्स का ड्यूरेशन क्या है FMGL एक्ट के आने के बाद और पहले क्या था। उसके साथ साथ ही हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या इस कोर्स ड्यूरेशन के साथ में FMGL एक्ट को फुलफिल कर पाना पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखें और इसी तरह के कई लेटेस्ट वीडियोस लॉजिक के साथ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो हम लोग एक एक करके बात करना शुरू करते हैं कंट्रीज़ की। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जो कंट्रीज़ भारत के काफ़ी नज़दीक हैं या भारत से सिमिलर हैं, नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल के अंदर कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 साल है, उसके बाद में कोर्स कंप्लीशन के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप अलग से होती है। FMGL एक्ट के आने से पहले भी यही था, FMGL एक्ट के आने के बाद भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नेपाल के बाद बांग्लादेश 5 साल का कोर्स है, 5 साल के कोर्स के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप है। FMGL एक्ट के आने से पहले भी यही था, FMGL एक्ट के आने के बाद भी यही है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसा FMGL एक्ट में लिखा हुआ है कि आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद अलग से 1 साल का इंटर्नशिप आपको करना है। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में FMGL एक्ट में मेंशन किया है। इंग्लिश में साफ लिखा है कि इंटर्नशिप ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन एडिशन टू द कोर्स। हिंदी में साफ लिखा है कि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त 1 वर्ष का इंटर्नशिप किया होना चाहिए। और ये पाठ्यक्रम या कोर्स क्या है, जो सब्जेक्ट भारत में फॉलो किए जाते हैं, जो सब्जेक्ट भारत के मेडिकल एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं, जो 4.5 साल में भारत में कोर्स चलता है, कोर्स पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, वो सभी सब्जेक्ट तो जरूरी है, मिनिमम है कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो वहाँ उनके सिलेबस में करिकुलम में होना चाहिए। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये सारे सब्जेक्ट कवर होने के बाद अलग से 1 साल का मिनिमम इंटर्नशिप आपको करना जरूरी है। ये क्लियरली मेंशन है FMGL एक्ट 2021 के अंदर। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा उसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने का, गजट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप स्वयं देख सकते हैं, खुद उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके कंट्री के बारे में दोबारा बात करना शुरू करेंगे। नेपाल के बारे में हम लोगों ने बात किया, 4.5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप। बांग्लादेश 5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीशन के बाद होता है, सिलेबस पूरा ऑलमोस्ट मैच करता है। इसके बाद में हम लोग दूसरी बात करते हैं उन कंट्रीज़ के बारे में जो जहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं, जैसे रशियन कंट्रीज़ में, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इनमें 6 साल का कोर्स है। और आज से नहीं, FMGL एक्ट के आने के पहले भी यहाँ पर 6 साल का कोर्स था। 6 साल के कोर्स के बाद स्टूडेंट्स को 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ये आप मानकर चलें। अभी जो एक मिसकम्युनिकेशन या मिसलीडिंग काउंसलिंग जो अभी हो रही है स्टूडेंट्स की, उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 6 साल के कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूड है, ऐसा नहीं है। FMGL एक्ट 2021 में आया, 2021 से पहले जितने भी स्टूडेंट्स इनमें से किसी भी देश से पढ़ाई करके आते थे उन सारे स्टूडेंट्स को 6 साल का कोर्स करना होता था। अगर इस 6 साल के कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूड होता तो जैसे नेपाल या बांग्लादेश या चाइना के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भारत में करने के लिए एग्जम्पशन मिला हुआ था कि अगर ये स्टूडेंट्स वहाँ से इंटर्नशिप करके आते भारत में तो इनको इंटर्नशिप रिपीट नहीं करनी होती, ऐसा एग्जम्पशन इन कंट्रीज़ के लिए भी होता जो नहीं था। दूसरी चीज़, यहाँ पर क्लिनिकल रोटेशन का जो समय है, क्लिनिकल रोटेशन मतलब आपके कोर्स का ही हिस्सा है, वो क्लिनिकल रोटेशन और इंटर्नशिप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसे आपस में क्लब नहीं किया जा सकता। क्लिनिकल रोटेशन एक मेडिकल स्टूडेंट करता है जो कोर्स कर रहा होता है,
इंटर्नशिप वो लोग करते हैं जो कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं। आपके कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप शुरू होती है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंटर्नशिप में सेमेस्टर नहीं होते हैं, इंटर्नशिप में एग्जाम नहीं होता है, इंटर्नशिप का असेसमेंट होता है। ठीक है, तो अगर अभी आपको ऐसा बोला जा रहा है कि हमारा कोर्स का ड्यूरेशन 6 साल है और हमारे 6 साल में इंटर्नशिप इंक्लूड है, इसका मतलब है कि आपसे झूठ बोला जा रहा है, केवल और केवल कोर्स का ड्यूरेशन कम दिखाने के लिए और कोर्स के खर्चे कम दिखाने के लिए। तो ध्यान रखें, इस झूठ से बचें। अगर आप ऐसा मानकर ऐसा सोचकर जाते हैं किसी भी कंट्री में कि 6 ईयर इज इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंक्लूडेड इंटर्नशिप वाला कंसर्न है, इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके लिए एफएमजी एलेक्ट जो है उसमें एनएमसी पहले ही इन्फॉर्मेशन आपको दे चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो एक्सपेंसेस आप 6 साल के मानकर चल रहे हैं, उसके बाद में अलग से आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इनमें से कौन कौन सी कंट्री या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के पास जेन्युइनली इंटर्नशिप के प्रोविजंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बिकॉज इनमें से कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर केवल 50% के बाद में स्टूडेंट जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक एक यूनिवर्सिटीज़ में 500-500 बच्चे, 400-400 बच्चे, 800-800 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इन देशों का, डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ के अपने खुद के हॉस्पिटल नहीं हैं। आप खुद सोच के देखें, ऐसी स्थिति में ये स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए कहाँ जाएंगे? अगर किसी तरह से कोई अरेंजमेंट इनके लिए इंटर्नशिप का कर भी दिया जाता है, तो वास्तविकता में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? और जब इनको इंटर्नशिप प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो क्या ये स्टूडेंट्स उस देश में रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये सब बात का कंसर्न है। लेकिन ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जिस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, उस कंट्रीज उन कंट्रीज में क्या FMGL एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। कोर्स ड्यूरेशन 6 साल है, 360 क्रेडिट्स, और ये 360 क्रेडिट्स आपके कोर्स के हैं, इसका इंटर्नशिप से कोई लेना देना नहीं है। कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, मोल्डोवा, बोस्निया, इन सभी कंट्रीज के बारे में। अब इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता सिनारियो है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का। ये 4 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो पहले सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करती थी, जैसे जैसे समय निकला ये कंट्रीज रशिया से सेपरेट हुई हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से और स्कोप के हिसाब से इन्होंने अपने कोर्स को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। आज भी जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, उन लोकल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन मोस्टली 6 ईयर का है, लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर कोर्स के ड्यूरेशन को 5 साल बनाया गया, और अभी भी कई तरह के चेंजेस, अमेंडमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन का ऐसा मानना है कि अगर कोई कंट्री फॉरेन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये पता है कि ये स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए कितने कैपेबल हैं, बाद में प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग कितना कैपेबल हैं। तो ये सब चीज़ें हमें भी देखना और जानना और समझना ज़रूरी है। तो जहाँ पर कस्टमाइज कोर्स है, वहाँ पर आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एक्चुअल में कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, आपके लिए एक्सपेंसेस कितने समय के आपको देने होंगे। इन कंट्रीज़ में बोला जा रहा है अभी कि 5 साल का कोर्स है और 5 साल के कोर्स के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि क्या 5 साल का कोर्स करने के बाद वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके 6ठे साल में इंटर्नशिप है, तो उस इंटर्नशिप का स्टेटस क्या है? क्या उस देश की गवर्नमेंट पहले से बच्चों को इंटर्नशिप करा रही है? क्या वो इसे जेन्युइनली इंटर्नशिप करा पाएंगे? क्या 5 साल के कोर्स के बाद में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और डिग्री आपको अलग से मिलेगा? उसके बाद ये सेपरेट 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा? ये इंटर्नशिप कहाँ होगी? क्या कोर्स और इंटर्नशिप के बीच में किसी तरह का कोई लाइसेंसिंग एग्जाम देना है? अगर लाइसेंसिंग एग्जाम है, तो वो लाइसेंसिंग एग्जाम कौन सी भाषा में होगा? उस लाइसेंसिंग एग्जाम के बाद में क्या प्रोसीजर रहेगा? लोकल स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन और बाकी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ये सारी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने बात किया अभी रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के लिए। इसमें हाँ, कजाकिस्तान के बारे में बीच में कई एडवाइजरी वगैरह जारी हुई थी, कई एडवाइजरी वगैरह इशू हुई थी, तो कजाकिस्तान वाले केस में एक चेंज ये जरूर हुआ है कि वहाँ पर लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्स का ड्यूरेशन 5 ईयर है, लेकिन वहाँ पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है
तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 साल के इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि 5+2 के सिस्टम को फॉलो करने की तरफ इशारा करता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि एक्चुअल में आपके लिए समय कितना लगने वाला है और उसके साथ में आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर इंटर्नशिप फ्री नहीं है। आपकी उतनी ही फीस आपको देना होगा जितना आपके रेगुलर ईयरली फीस का कंसर्न है। तो आप ये चीज़ समझ के चलें कि अगर आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल की सालाना फीस $4,000 या $5,000 लग रही है, तो इंटर्नशिप के समय पर छठे और सातवें साल में, 2 साल की जो इंटर्नशिप है उसमें भी आपको इतना ही फीस, इतने ही रहने के खर्चे और इतने ही खाने के खर्चे देने होंगे। इसके साथ साथ में आपके इंश्योरेंस का रिन्यूअल और वीज़ा का रिन्यूअल भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो अभी हमारे लिए कुछ चीज़ें जो जानना सबसे ज़रूरी है उस पर हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं। देखिए, आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, क्लियर ड्यूरेशन, उसमें इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ये कोई डिस्कशन का वो नहीं है। क्लियर ड्यूरेशन कितना है, 4.5, 5 या 6 या जो भी ड्यूरेशन आता है कोर्स का ड्यूरेशन। उसके बाद में क्या आपको कोई लाइसेंसिंग एग्जाम देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो कौन सी भाषा में देना है, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या इसमें फॉरेन स्टूडेंट बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप अलाउड है या नहीं है, आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस कंट्री में जा रहे हैं क्या उस यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उनका समय क्या है, उसकी फीस क्या है और वो किन कंडीशंस पे इंटर्नशिप आपको मिलेगी। उसके साथ साथ ही इंटर्नशिप की ड्यूरेशन क्या रहेगी, अगर इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 1 साल है, 2 साल है या और भी कुछ अगर ड्यूरेशन है तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ साथ में ये भी समझें कि क्या उस देश की गवर्नमेंट आपको इंटर्नशिप दे रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कई सालों से किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में या मोस्टली रशियन कंट्रीज़ के अंदर जनरली इंटर्नशिप का ट्रेंड नहीं है। तो क्या वहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबसे पहले जाने जांचें, उसके बाद में आगे प्रोसेस पर बढ़ें। इंटर्नशिप के साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि FMGL एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए इंटर्नशिप के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन भी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक 18 नवंबर 2021 को FMGL एक्ट आया था, उसके बाद में लगभग 18 से 20 महीने का टाइम निकल चुका है, लेकिन किसी भी कंट्री ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूँ रशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पर अभी इंडियन स्टूडेंट जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट किसी भी देश की गवर्नमेंट से या उस देश की जो कंसर्न मेडिकल काउंसिल है या जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वहाँ से आना चाहिए, ना कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, कि इनके कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस देश इन देशों की गवर्नमेंट को इंटर्नशिप देना है या रजिस्ट्रेशन देना है, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करेगा कि वो स्टूडेंट्स को क्या दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये 2 कंट्रीज़ के बीच का मामला है। ठीक है, तो हम लोग इन चीज़ों को समझें, कहीं पर भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी कंट्री में जाने से पहले हम लोग ये चीज़ अच्छे से समझ लें कि कोर्स का ड्यूरेशन, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन और उसके साथ साथ में हमारे लगने वाले कुल खर्चे क्या हैं। 1 साल बढ़ने के साथ साथ में आपके लिए फीस, हॉस्टल, फूड और इंश्योरेंस और वीज़ा रिन्यूअल के ये 5 खर्चे हैं जो बेसिक खर्चे हैं जो इंक्रीज़ होते हैं। तो इंटर्नशिप के समय को समझना, इंटर्नशिप के होने की, मिलने की प्रोबेबिलिटी को समझना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, सभी चीज़ों को जानने, जांचने और समझने के बाद डिसीजन लें। थैंक यू।